होशियारपुर के सबसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान सरकारी रेलवे मंडी स्कूल जो कि लड़कियों के लिए है, वहाँ अब नए प्रिंसिपल नियुक्त हो चुके हैं और ये प्रिंसिपल साहब तो बहुत अनुभव लिए बैठे हैं। हालांकि अलग अलग स्कूलों का इनके पास अनुभव है और शेरगढ़ स्कूल लास्ट इनकी जो पोस्टिंग रही उसके बाद अब रेलवे मंडी स्कूल में जब आए हैं तो जहां पूरे शहर के अंदर हर्ष का माहौल है, वहीं स्कूल के अंदर विद्यार्थियों में भी काफ़ी हर्ष पाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा हर्षित मैं भी हूँ। तो अब मैं बातचीत करता हूँ सर, क्या कुछ नई एक्टिविटी जो है अभी स्कूल के अंदर चलाई जा रही है और कब पोस्टिंग हुई है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, मुझे अभी स्कूल में आए 1 महीना हो गया है और ये स्कूल मैडम ललिता जो अभी डीओ मैडम बने हैं उनके द्वारा पुष्पित और पल्लवित किया गया है। और ये स्कूल तो बहुत अच्छा है, मैंने यहाँ पे पहले भी पढ़ाया है, मेरा तो ये पुराना स्कूल है और मेरा तो ऐसा है कि 12 साल का स्कूल का एक्सपीरियंस है और इस स्कूल में आके मैं काफ़ी खुश हूँ। खुश हैं। आज के दौर में आप सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, जैसे एग्ज़ाम परीक्षाएं चल रही हैं विद्यार्थियों की, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे विद्यार्थियों को? बच्चों की जो पढ़ाई के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे जितनी लगन से चाहें वो पढ़ें, उनका रिज़ल्ट जो है वो हमेशा अच्छा ही आएगा। जब तक हम पूरी लगन से पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम अपने उद्देश्य की ओर प्राप्त नहीं कर सकते। और इसके साथ मैं शहर निवासियों से एक विनती करना चाहता हूँ कि हमारे रेलवे मंडी स्कूल में बस सर्विस का पंजाब सरकार की ओर से अरेंजमेंट किया गया है, तो जो भी बच्चे दूर से यहाँ पे आके एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो आएँ हमारे स्कूल में और दाखिला लें। और इसके बाद ये भी बात है कि यहाँ पे सारे स्ट्रीम्स चल रहे हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, वोकेशंस के ग्रुप चल रहे हैं, NSQF के ग्रुप हैं और हमारी स्ट्रेंथ जो है लगभग 2200 के करीब है और हम उसे और बढ़ाना चाहते हैं। हम बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे हमारे पास आएं और पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ें। क्या बात है, बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। सो इतना संदेश ये होशियारपुर वासियों को देना स्पष्ट है और ये भी बता दें कि लगातार आप देखेंगे कि जहां अभी सर ने भी नाम लिया कि जो हमारे मौजूदा DO मैम हैं ललिता अरोड़ा जी दीदी, तो उन्होंने किस तरह से इस बाग को सींचा है और इसमें कलियां फूल खिलाए हैं और अब उसकी देखभाल करने की जिम्मेवारी इन मजबूत कंधों पर आ गई है ताकि उनके विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी फैसले जो हैं होशियारपुर के अंदर देखने को मिलेगा जिस तरह से DO मैम और पंजाब सरकार काम कर रही है। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट।